वालेकुम जी प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जिला के बबरकरम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज के दिन का आगाज़ हुआ था जिला के बबरकरम नाम से। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी रहमतें और बरकत नज़र फरमाए और जी सबकी जहनी जिस्मानी रूहानी तकलीफें दूर करें। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अब्दुल हादी हादी से स्टार्ट करते हैं। अब्दुल हादी बैठा हुआ है जी, पढ़ रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है। इसके टेस्ट हो रहे हैं कॉलेज में, तो ये अपना ज़रा तैयारी कर रहा है। और गर्मी जो है हमारी अरूज पर है, ठीक है। और ये देखें हमारी दीवार कितनी ख़राब है। ये सारी जो मैंने पहले दिखाई थी ना कि सेम आई हुई ना सारी, ये साथ वालों के घर से ना सेम की वजह से दीवार ख़राब हो गई है। काफ़ी ख़राब है दीवार। देखो अब ये क्या करते हैं। सीमेंट तो इन्होंने लगाया था उधर से साथ वालों की छत से, लेकिन प्रॉपर सही नहीं किया हुआ। बारिशें होंगी तो पता चलेगा तो कि क्या हिसाब किताब है। खैर साथ साथ रहें, चलते हैं अभी और कहीं, कुछ और भी दिखाती हूँ आज। आज की ताज़ा खबर क्या है। आज की ताज़ा खबर सुनने के लिए आप हमारे साथ साथ रहिएगा, ठीक है। ताज़ा खबर में ये है कि जी आलू वाले चावल बने हैं और आलू ये हैं और ऑयल भी मंगा लिया, ऑयल ख़त्म हो गया था। और अफसाने चावल भी भिगो दिए हैं, बस मैं पकाऊंगी, ठीक है। और ये जनाब हमने भी भिगोया हुआ था तुख मलंगा, ठीक है। आया है पूरा गिलास ही हिल गया, मैंने भिगो दिया था। मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा शक्कर लेकर आओ, शक्कर कोला बनाएंगे इसका, ठीक है। और ऑयल भी ख़त्म हुआ था, बोतल मंगवा ली थी ऑयल की, हसीब लेकर आया एक। ये अच्छी बोतल मिल जाती है, बाद में काम भी आ जाती है, वेस्ट नहीं होती ये। और आ गए हैं जी हफ्सा के कमरे में, लाइट ऑन करते हैं। हफ्सा के कमरे में हम इसलिए आए हैं, आपसे शेयर करने लगी थी, इस गद्दे के बारे में बताने लगी थी कि ये मैट्रेस जो है लिया था हमने, और ये दरमियान में से इसमें ना पता नहीं ये ऐसे ना टोए से पड़ना शुरू हो गए, तो बल्कि हंस रहे थे हफ्सा को, कह रहे थे हफ्सा के कील लगे हमें आपके साथ जो टोए पड़ गए, भाई उसको छेड़ रहे थे। खैर नहीं, ऐसी भी बात नहीं, वो तो वैसे स्मार्ट सी है, अगर मोटी होती तो फिर कह भी सकते थे कि यहाँ मोटी है, तो उसके वजन से ही एक गद्दा बैठ गया। लेकिन ये दरमियान में से बैठ गया, ऐसे ख़राब हो रहा है, और वारंटी पर है इसका है ना, तो वारंटी कार्ड भी रखा हुआ है, तो हमने कंप्लेन भी की थी, तो आए थे परसों, आए थे कंप्लेन की थी, सॉरी नहीं रात को आए थे, हाँ रात को आए थे कंप्लेन की थी हमने, तो रात को आकर चेक करके गया इसको, डॉक्टर साहब आए थे, मैट्रेस के डॉक्टर साहब आए थे, वो चेक करके गए हैं, तो उन्होंने देखा है कि कह रहे हैं ठीक है ये ख़राब, वाकई ख़राब हो रहा है, तो कह रहे थे कि ये कंपनी में वापस चला जाएगा, उसके बदले आपको दूसरा मिल जाएगा मैट्रेस। हमने कहा चलें ठीक है, ये फ़ायदा होता है वारंटी का, ये देखें ये फ़ायदा होता है वारंटी वाली चीज़ का, कि अभी दो माह ही हुए हैं तकरीबन, दो साल की वारंटी और दो माह में ही वो ख़राब होना शुरू हो गया, कि ये रमज़ान में, इसी रमज़ान में ला कर दिया था, जब मैंने वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी इस मैट्रेस की, कि भाई ने उसको मैट्रेस लेके दिया गिफ्ट, तो लेकिन ये ख़राब निकला है, पता नहीं क्या हुआ है, इस क्या मसला हुआ है, तो इसलिए ये अब देखें चेंज करेंगे, वो आ तो गए थे कहते चेंज हो जाएगा। और मैंने अफसा को ये ना जो टोकरी एहसान ने लेकर दी थी, ये पहले भी मैंने वीडियो में दिखाई थी ना टोकरी, ये बास्केट से बनी हुई, मैंने इसको कहा था, मैंने कहा ये टेबल के ऊपर ना ये रख कर इसके अंदर अपनी चीज़ें सेट कर लो, तो उसने सारी अपनी चीज़ें ना ये ऐसे सेट कर ली थी, तो सारी सीमेंट भी गई हैं, तरीके से रखी भी गई हैं, और ये बास्केट भी काम आ गई है इसके ना। और ये मिरर तो मैंने आप कितनी मरतबा पहले भी दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका, ये इसने खुद बनाया था अपने हाथ से, इसने इसकी डिज़ाइनिंग की थी, बड़ी बारीकी से इसने इसकी डिज़ाइनिंग की थी, बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये। इसके ऊपर जो पॉलीथीन थी ये उतार के रखती हुई है, इसलिए उतारी है, तो वो चेक करने आया था, वो कहता कि पॉलीथीन उतार के फिर चेक करेंगे। ये पॉलीथीन उतार के ऐसा नहीं आ रही थी, कहती हाय मेरा गद्दा ख़राब कर दिया, तो इससे सेफ्टी भी थी, ज़रा ये होता है कि साफ़ रहता है, गंदा नहीं होता, लेकिन वो ना चेंज होना है ना, इसलिए उतारा था, वो कहते ऐसे नहीं चेक करेंगे, इसको उतार के चेक करेंगे। और ये देखिए यहाँ से मैंने फ्रीज़र भी हटा दिया है, फ्रीज़र मैंने हटा के अंदर कमरे में रख दिया, और यहाँ से गंदी हुई थी जगह, फ्रीज़र के नीचे से काम वाली आएगी ना, वो साफ़ करेगी इसको अच्छी तरह से, यहाँ से धुलवाऊँगी जगह को। फ्रीज़र मैंने इधर कमरे में ला के रख दिया, यहाँ पर साइड पर रख दिया मैंने। देखो पर फिर कब आता है वो है ना चेंज करने के लिए, कब आता है अफसर, कब का कह करके हैं, अच्छा कॉल करेंगे, हाय हाय इतना लंबा काम, क्या ऑपरेशन करना है इसका, इतना लंबा प्रोसीजर होता है, तो इतना बड़ा धोखा देखें ज़रा किया है इन्होंने हमारे साथ।
हमने वही बात है, रकम इंसान पूरी दे देता है और लेकिन चीज़ देखिए कैसे देते हैं, फिर ये बेईमानी इतनी करते हैं। चले कोई बात नहीं, हमने तो पैसे पूरे ही दिए थे ना, हम तो अपनी तरफ से सुरखरू हैं। चलिए ठीक है, मेरी ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बताऊँ कि चीज़ लेने से पहले उसको चेक कर लें कि कैसी चीज़ है। हालांकि कंपनी की है, ड्योरा की है ना, ड्योरा का है ना, मल्टीफॉर्म है। अच्छा मल्टीफॉर्म है, सॉरी ये मल्टीफॉर्म है, लेकिन मुझे तो लग रहा है मल्टीफॉर्म लग ही नहीं रहा जैसे। चलें ठीक है जी, अच्छा अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी थी मेरी वीडियो। ठीक है कि देखें इतना बड़ा धोखा किया है ऐसे लोगों ने हमारे से। चलें जी, इजाज़त दें, ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।